नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, लिखा विश्व कैंसर दिवस पर सीएम का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा कैंसर से सुरक्षा 100% संभव, कैंसर पहचान के लिए जन जागरण हेतु संकल्पित हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का ट्वीट आया है और उन्होंने कैंसर को लेकर ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज संभव है और लोगों को जागरूक करने की यहां पर जरूरत है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है विश्व कैंसर दिवस पर। सीएम ने ट्वीट किया और लिखा कैंसर से सुरक्षा 100% संभव, कैंसर पहचान के लिए जन जागरण हेतु संकल्पित है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व कैंसर दिवस पर ट्वीट किया है और लिखा कि कैंसर से सुरक्षा 100% संभव है। ये सीएम का ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि संतुलित संयमित जीवन शैली एवं सतत जागरूकता के लिए कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा 100% संभव है। आइए विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर की पहचान, लक्षण एवं उपचार के प्रति जन जागरण हेतु संकल्पित हों। खबर प्रयागराज से है, जहां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्थापना के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज की धरती पर पूरा प्रदेश और पूरा देश मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करके कुंभ और माघ मेले के इस आयोजन के साथ अपने आप को सहभागी बनाकर जीवन में सफलता के मार्ग का अनुसरण करने का एक संकल्प लेता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाषा में प्रयागराज के इस धरती में आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बेहतर समन्वय कार्यक्रम को बार एसोसिएशन के माध्यम से देख रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समुदाय ने आजादी की लड़ाई में न केवल बढ़ चढ़कर भाग लिया बल्कि देश का नेतृत्व भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश ने इस अमृत काल में कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें एक भारत ने ब्रिटेन देश को पछाड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट विश्व कैंसर दिवस पर। अखिलेश ने ट्वीट किया है, लिखा सभी मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सपा सरकार में कैंसर अस्पताल बना, बीजेपी सरकार ने नहीं कराया बजट उपलब्ध, संकीर्ण राजनीति से मरीज इलाज से वंचित। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्व कैंसर दिवस के मौके पर ट्वीट किया और लिखा कि सभी मरीजों के शीघ्र होने की कामना करते हैं, सपा सरकार में कैंसर अस्पताल बना। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने नहीं कराया बजट उपलब्ध, संकीर्ण राजनीति से मरीज इलाज से वंचित। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है विश्व कैंसर दिवस पर। अखिलेश ने ट्वीट किया और लिखा सभी मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है, सपा सरकार में कैंसर अस्पताल बना, बीजेपी सरकार ने नहीं कराया बजट उपलब्ध और संकीर्ण राजनीति से मरीज इलाज से वंचित। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर ये ट्वीट किया। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा यहां और कहा कि कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा है, व्यथित होकर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बाबा साहेब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। बाबा साहेब ने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। साथ ही कहा कि बाबू जगजीवन राम ने संपूर्णानंद मूर्ति का उद्घाटन किया था, मूर्ति उद्घाटन के बाद गंगा जल से धोया गया। अखिलेश यादव ने सीएम आवास छोड़ा तो गौमूत्र से धुलाया गया, कोविंद जी को सीकर ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, ये सब शूद्र होने का अपमान नहीं तो
तो क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और अब एक और बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर के ट्वीट के जरिए दिया, कहा कदम कदम पर जाति अपमान की पीड़ा है और व्यतीत होकर बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक कर रहे प्रदर्शन, गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के सामने कर रहे हैं प्रदर्शन, भाजपा पर लगा रहे तमाम आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक अब प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के सामने किया जा रहा है और बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप इस समर्थक लगा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कि जो समर्थक है वो प्रदर्शन पर उतर गए हैं और गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है स्वामी प्रसाद के समर्थक अब प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं और गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के सामने की तस्वीरें जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी पर तमाम तरह के यहां पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। खबर संभल से है, जहां विकासखंड पावसा की ग्राम पंचायत अलीपुर बुजुर्ग में पिछले 3 साल से जेल में बंद कैदी जॉब कार्ड धारक के नाम पर रोजगार सेवक बड़े ही शातिर तरीके से लगातार रुपए निकालकर भ्रष्टाचार कर रहा है। बताते चले कि रोजगार सेवक पर जॉब कार्ड धारकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार सेवक जॉब कार्ड धारकों को उचित मजदूरी ना देकर जेल में बंद कैदी को 100 दिन का रोजगार दिखाकर उसके नाम पर लगातार यहां पर पिछले 3 सालों से मोटी रकम निकाल रहे हैं, जिसको लेकर रोजगार सेवक के ऊपर नियुक्त महिला मेठी खुशी ठाकुर ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर रोजगार सेवक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। तभी मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने शिकायती पत्र के आधार पर टीम गठित कर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने गांव में पहुंचकर मौका मुआयना किया और पहले से पंचायत घर पर एकत्रित ग्रामीणों द्वारा रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जांच अधिकारियों से मांग की, लेकिन जांच टीम ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये साहब रोजगार ना मिलती है समझे कैसे, मतलब ऐसे क्या जो फर्जी हाजिरी है उनसे हमारा कोटा पूरा हो जाता है। अच्छा, तो आपके साथ में कौन किस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? जे रोजगार सेवक के, क्या नाम है रोजगार सेवक का? मनंदर से आरोप लग रहा है रोजगार सेवक पर कर कि आपके भाई के नाम से रोजगार सेवक पैसे निकाल। अच्छा, तो ये सही है क्या? क्या कितने कितने रुपए निकाले जाते हैं भैया? उन्हें तो 100 आदमी दिखा दें। ये मेरी मिसेज की शिकायती पत्र दिया था सर हमने जिलाधिकारी महोदय के लिए और CDO मैडम के लिए, तो उन्होंने एक जांच गठित की थी सर, तो जिसमें DC रामायणी सिंह गठित किए थे, अनिल त्रिपाठी जी जांच कमेटी बिठाई थी, तो उसमें DC रामायणी सिंह का तो ट्रांसफ़र हो गया और सर अनिल त्रिपाठी जी आए थे आज, तो खाली आए थे मुहाने पे गए थे हम सूद नदी पे और थोड़ा देखा उन्होंने, मगर उन्हीं के पक्ष में बोल रहे थे सर। रोजगार सेवक के प्रति महिला मेट पर कार्य करती हूँ और मेरा काम था जो वर्कर लोगों से काम कराए, मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या काम है क्या कराना चाहिए। मैंने BDO सर से कहा, APO सर से कहा, महिला मेट की मीटिंग थी वो भी अटेंड की, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। किस चीज की आपने शिकायत की है? यही शिकायत की थी कि मुझे क्या कार्य करना है नहीं बताया गया। उसके बाद में फिर मैंने रेगुलर काम पे जाना चालू कर दिया, फिर मुझे पता चला कि जो व्यक्ति काम पे नहीं आते हैं उनकी प्रेजेंट चलाई जा रही है, यहाँ तक कि किसके द्वारा प्रेजेंट चलाई जा रही थी? रोजगार सेवक के। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, करे योग रहे निरोग का आयोजन हुआ है G20 बैठकों से पहले खिलाड़ियों ने किया योग अभ्यास, KD सिंह बाबू स्टेडियम के खिलाड़ियों ने योग अभ्यास किया है और 1090 चौराहे के पास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मंडल आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने भी योग किया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करें योग रहे निरोग का
आयोजन किया गया है। G20 बैठकों से पहले खिलाड़ियों ने योग अभ्यास किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के खिलाड़ियों ने योग अभ्यास किया है और 1090 चौराहे के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने भी योग किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लखनऊ की है। G20 बैठकों से पहले खिलाड़ियों ने योग अभ्यास किया है, करें योग रहे निरोग का आयोजन किया गया और ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम के खिलाड़ियों ने योग अभ्यास किया है। 1090 चौराहे के पास ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मंडल आयुक्त और अन्य अधिकारी भी पहुंचे शिरकत के और उन्होंने भी योग किया। श्वास का होना अति आवश्यक है। देखिए G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 19 विकसित देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसके साथ ही गेस्ट कंट्री भी इसमें बुलाए जाते हैं। सब मिला के लगभग 43 देश इसमें एक फोरम है जिसमें ग्लोबल इश्यू को चर्चा करते हैं और पूरे साल जो इस वर्ष हमारे देश को प्रेसिडेंसी मिली है पूरे वर्ष इस देश में लगभग 200 मीटिंग्स होगी एजेंडा सेटिंग के लिए। जो लास्ट में जो समिट होगा G20 समिट उसमें उसकी चर्चा होगी। उसमें बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 11 मीटिंग्स इस तरह के हो रहे हैं जिसमें 3 मिनिस्टर लेवल के भी हैं। और संभल से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली चेकिंग टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। नरौली में भीड़ ने टीम पर जानलेवा हमला किया। जेई सहित लाइनमैन को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया है। लोगों ने टीम के कपड़े भी फाड़े। टीम पर लगा महिला पर अभद्र कमेंट करने का आरोप। घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर किया था कमेंट। बिजली कर्मियों ने पुलिस में दी शिकायत। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिजली चेकिंग टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। नरौली में भीड़ ने जानलेवा हमला किया है और जेई सहित लाइनमैन को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि चेकिंग के लिए पहुंची टीम ने घर का दरवाजा बिना किसी इजाजत से तोड़ दिया और वहां मौजूद महिला पर अवैध कमेंट करने लगे जिससे गुस्साए लोगों ने टीम की पिटाई कर दी और लहूलुहान कर दिया जिसके बाद बिजली कर्मियों ने पुलिस में शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों ने चेक करना शुरू किया तो वो पूरी गली चोरी पकड़ी गई और जिसमें एक एसपी मेंबर उनके द्वारा भीड़ को उठाकर पूरे जान से मारने की धमकी देकर और दौड़ा दौड़ा के सबको हमारे सभी इम्प्लाइयों को पीटा गया। किसी तरह से हमारे सभी इम्प्लाई जो है जान बचाकर वहां से भागे लेकिन सबकी सबको ईंट पत्थर डंडे बेल्ट जो भी सामान उपलब्ध था वहाँ की लेडीजों तक के सभी लोग निकल कर बाहर आ गए। कहाँ कहाँ यहाँ पे लगी है जी जी और यहाँ पे मारा है जी और ये हाथ उठना रहा है। तुम भी साथ ना, 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 तुम गए ना तुम बताओ वो यत्ता भाई हो गई है। अच्छा कहाँ बंजर को बंजर को घटना कैसे की है 6 बजे की ना अभी कितना बजे आधा घंटा पहले की घटना है। विद्युत विभाग की टीम अपने कार्य से गई थी इस दौरान वहाँ के निवासियों द्वारा उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। इस के पश्चात अभियोग इस संदर्भ में पंजीकृत कर लिया गया है। यह अभियोग 9 नामित एवं 58 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। और नु कह रहा क्या हो गया काम सामने के हमारे मीटर ना आ रहा हुआ और नहाते थे एकदम घुस गया वो आदमी के मीटर ना हमारा। उधर अमेठी जिले में छुट्टा जानवर सरकार के गले की फांस बने हुए हैं। जिला प्रशासन को बार बार चेतावनी देने के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसदीय क्षेत्र में टीम भेजकर छुट्टा जानवरों का आंकड़ा जुटाया है। स्मृति ईरानी ने आंकड़ा जारी कर जिला प्रशासन को यहां पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा गया है।
और अमरोहा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से हुई कार की टक्कर, हादसे में एक की मौत, चार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गजरौला थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार की टक्कर हुई है और हादसे में एक की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उनका इलाज जारी है। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कार की टक्कर हुई, हादसे में एक की मौत हुई जबकि चार लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने आ रही है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गजरौला थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गजरौला थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कार की टक्कर हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस भी पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। हादसे में एक की मौत और चार लोग के घायल होने की सूचना मिल रही है। और मामला बांदा के कनवारा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर नदी किनारे बीहड़ इलाके में महिला का शव अधजली अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय चरवाहों ने महिला के शव को पड़ा देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। लगभग 10 बजे थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम कनवारा की बीहड़ जो इलाका है, नदी के बिल्कुल किनारे में, काफ़ी इंटीरियर है, एक महिला का अधजला शव मिला हुआ है। और प्रथम दृष्टया जो है ये मामला हत्या का पाया जा रहा है। अब इसमें आसपास की जो भी गुमशुदगी है और जो भी हमारे जनपद में आसपास के जनपदों में हुई है, उससे कोशिश की जाएगी कि महिला की पहले पहचान हो जाए और इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। गोरखपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, डॉक्टरों ने दिव्यांग तीमारदार को पीटा। इलाज के बारे में पूछने पर डॉक्टरों ने की पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देवरिया से इलाज कराने आया था पीड़ित। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर की शिकायत। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर ने दिव्यांग तीमारदार की पिटाई कर दी है। इलाज के बारे में पूछने पर डॉक्टरों ने पिटाई की वारदात को अंजाम दिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। देवरिया से इलाज कराने आया था पीड़ित। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दी है और ये पूरा मामला बीआरडी मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर डॉक्टरों ने दिव्यांग की पिटाई की है। तो गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दिव्यांग तीमारदार की पिटाई की है। तीमारदार का कसूर बस इतना था कि उसने इलाज के बारे में डॉक्टरों से पूछ लिया था, जिससे भड़के डॉक्टर ने उसकी पिटाई कर दी। वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। देवरिया से इलाज कराने आया था पीड़ित। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दी है। शाजापुर पलिया हाईवे पर खुटार थाना क्षेत्र में गांव लक्ष्मीपुर के पास रोडवे बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। 5 यात्रियों की हालत गंभीर होने के चलते उनको शाजापुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। शुक्रवार शाम शाजापुर डिपो की बस मथुरा से गौरीफंटा के लिए निकली थी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे बस शाजापुर से गौरीफंटा की ओर रवाना हुई। 8 बजे खुटार पुवाया के बीच गोमती नदी के पुल के पास बस खुटारा की ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गई। ट्रक गलत साइड में आ रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं शाजापुर की है, जहां पर रॉन्ग साइड पर ट्रक के आने के चलते ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई है। शाजापुर पलिया हाईवे पर खुटार थाना क्षेत्र में गांव लक्ष्मीपुर के पास ये हादसा हुआ है।
आमने सामने की बस और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए और 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ये पूरा मामला शुक्रवार शाम शाहजहांपुर डिपो की बस मथुरा से गौरीफंटा के लिए निकली थी और उसी दौरान ये हादसे की तस्वीरें सामने आई। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, डीएम ने राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान दिए दिशा निर्देश, तहसील के 10 बकायेदारों को करें चिन्हित, वसूली न होने पर कुर्की करने के दिए निर्देश, किसी भी दशा में सख्ती से वसूली जाए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा की और राजस्व विभाग को ये कड़े निर्देश दिए हैं कि तहसील के 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करें, वसूली ना होने पर डीएम ने कुर्की के आदेश भी दिए हैं, साथ ही कहा कि किसी भी दशा में सख्ती से वसूली की जाए। लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा की, समीक्षा के दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं, तहसील के 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करने के निर्देश डीएम ने दिए हैं, साथ ही वसूली न होने पर कुर्की करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है डीएम ने राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही डीएम ने निर्देश दिए कि जो भी 10 बड़े बकायेदार हैं उनको चिन्हित किया जाए, जिसके बाद उन पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की, ये तस्वीरें उसी बैठक की है जो सामने आई है, जहां पर कई अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पंडित अवधेश शुक्ला ने लगाया पोस्टर, सपा कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर। पोस्टर पर लिखा, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे, हम उस चौपाई में लिखे गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पंडित अवधेश शुक्ला ने पोस्टर लगाया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंडित अवधेश शुक्ला ने पोस्टर लगाया, लिखा सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाते हुए लिखा पोस्टर कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे बल्कि उस चौपाई का विरोध कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि जो शब्द कुछ गलत दिए गए हैं उसका विरोध किया जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।